How to install latest Android P developer preview on Google Pixel phones. Hi friends, Siddharth here from technobuzz.net. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो हमारे पास जो फोन है वो Pixel 2 XL है फोन है, उस पर हमने जो लेटेस्ट, जो भी रिसेंटली गूगल ने जो लेटेस्ट एंड्रॉइड पी डेवलपर प्रीव्यू रिलीज किया है वो हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया है। तो आज मैं उसी कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप उसको अपने पिक्सल या नेक्सस फोन्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए technobuzz.net चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गूगल पिक्सल का जो हमने फोन में अपने एंड्रॉइड पी का जो डेवलपमेंट है लेटेस्ट वर्जन उसको इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं आपको उसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसका नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं जो काफी सारे उन्होंने चेंज कर दिया है। काफी सारे लोगों का ये मानना है कि जो iOS 11 का जो लुक है थोड़ा सा वो देता है। हाँ, थोड़ा बहुत लुक देता है, मगर इसमें काफी कुछ आने वाले टाइम में काफी कुछ और चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल बेटा स्टेज पे, यानी कि डेवलपमेंट स्टेज पे आने वाले टाइम पे कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। आप इसका सेटिंग्स पैनल में चलते हैं। सेटिंग्स पैनल में उन्होंने काफी सारे चेंज कर दिए। देखिए, आइकन जो है सारे कलरफुल हो गए हैं और मोस्टली सेटिंग पैनल वैसा ही है जैसा अब तक आप देखते थे, बट इसमें कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। जैसे सिस्टम में आप जाते हैं तो अब आप कुछ मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये एंड्रॉइड फोन जो है अबाउट फोन पिक्सल 2 एक्सएल है और हमने अपडेटेड टू एंड्रॉइड पी कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप लिखे। अब अबाउट फोन पे चलते हैं तो यहाँ पे हम दिखाता हूँ एंड्रॉइड पी वर्जन। जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुलती है जो कि पहले के ओरियो वर्जन में ऐसा नहीं होता था। और हम इसको टैप करते हैं तो जो गूगल का जो पेज था ये पिक्सल ये प्रीव्यू जो है इसका एंड्रॉइड 9.0 का उसका स्क्रीन खुलती है। कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कुछ इसमें मेजर चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। पावर बटन को प्रेस करने के बाद आपको कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पावर ऑफ मिलेगा देखने को, रीस्टार्ट मिलेगा, स्क्रीनशॉट मिलेगा और इमरजेंसी। अब स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको हार्डवेयर बटन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार टैप करेंगे और स्क्रीनशॉट खींच जाएगा। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट को एडिट करने के लिए आपको गैलरी में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ से आप इसमें दो ऑप्शन देख पा रहे हैं, शेयर और एडिट। मैं थोड़ा क्लोज आके दिखाता हूँ आपको, ये देख पा रहे हैं शेयर और एडिट। यहाँ से आप आसानी से अपने जो कैप्चर की हुई स्क्रीन है उसको आप शेयर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं कि जैसे कि आप उसमें वाईफाई हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं और काफी देर तक आपका कोई जो डिवाइस जो है आपके फोन से कनेक्टेड नहीं है तो हॉटस्पॉट जो है अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जिससे जो आपकी बैटरी जो सेविंग है वो काफी बढ़ जाएगी। क्यों, अब तक होता क्या था कि आप हॉटस्पॉट अगर ऑफ नहीं करते थे वो चलता रहता था और कोई डिवाइस उससे कनेक्ट ना हो तभी वो चलता रहता था। तो अब इसमें एक फीचर उन्होंने ये भी डाल दिया है। यूआई में काफी सारे चेंजेस किए हैं और एक चीज और बताता हूँ, जो उन्होंने जो वॉल्यूम लॉकर्स थे जिसमें पहले आपको ऊपर एक टैब देखने को मिलता था कि वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, उसमें वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। आपको इस तरीके का पैनल देखने को मिलता है जहां से आप सारी जो मीडिया वॉल्यूम्स को चेंज करते हैं, मीडिया आउटपुट में उसको आपके ब्लूटूथ डिवाइस आपके फोन के अटैच है, जैसे आपका हेडसेट वगैरह या कुछ और स्पीकर वगैरह, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ और जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है वो भी उन्होंने काफी चेंज कर दिया है। एकदम से आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो खुलती है। बाकी सारे फीचर्स मोस्टली लगभग वैसे ही है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे गूगल फोटोज में दिखाएं क्लिक करेंगे तो वही सब कुछ आपको वैसे ही मिल जाएगा एज इट इज देखने को। तो ये कुछ इन्होंने चेंजेस किए थे इन्होंने, और एडेप्टिव ब्राइटनेस में भी इन्होंने कुछ किया। और माना जा रहा है कि जो टेक्स्ट सिलेक्शन जूम था, जैसे आईओएस में होता है आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक जूम पैनल आ जाता था, वो भी आपको उसमें देखने को मिल सकता है। वो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार करके भी, मैं किसी पेज पर जाता हूँ एक बार, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी तो मेरे को कुछ टेक्स्ट मैंने मैसेज पर रिसीव नहीं किए हैं। और भी सारे जैसे आपको दिया था पावर बटन पे कुछ नए ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक नया विंडो स्क्रीन देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको और एक और चीज़ आपको उसमें देखने को मिलती है, जैसे आप फोन आपका पावर ऑफ करते हैं यानी कि स्क्रीन को ऑफ करते हैं, अब आप पहले आपको यहाँ पे सिर्फ टाइम और डेट वगैरह ही देखने को मिलता था, बट अब आपको इसके साथ यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे बैटरी परसेंटेज लिखी हुई है, थोड़ा इसको फोकस कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आपको नीचे बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ फीचर्स थे जो इन्होंने इसमें रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं जो एंड्रॉइड पी डेवलपर प्रीव्यू है। इसको रिसेंटली इन्होंने इसके ओटीपी अपडेट्स और जो है फुल सिस्टम इमेज को भी इंट्रोड्यूस किया है जो आज से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप ओटी अपडेट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका फोन रूटेड है तो आप फुल सिस्टम इमेज को जाके अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका फोन लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहा है ओरियो के ऊपर, या पिक्सल 2 हो या पिक्सल 2 एक्सएल हो या पिक्सल एक्सएल हो, तो आप ओटी अपडेट को एडीबी साइड लोड के थ्रू उसमें फ्लैश कर सकते हैं और एंड्रॉइड प्रीव्यू का एंजॉय जो फीचर्स है उसको अपने फोन में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका फोन रूटेड है तो आपको फुल सिस्टम इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको फ्लैश करना पड़ेगा नॉर्मल मैट्रिक्स के थ्रू। ये कमांड प्रॉम्प्ट रन करनी पड़ती है, फ्लैश और बैट जो फाइल होती है वो आपको रन करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इन फीचर्स को अपने फोन में यूज कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले जो डेट होती राइट साइड में होती थी, अब इन्होंने जो डेट जो है नोटिफिकेशन पैनल में अब वो लेफ्ट साइड पे कर दी है। मैं आपको थोड़ा करीब आकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब जो डेट जो थे पहले राइट साइड में होती थी, अब वो लेफ्ट साइड में चली गई है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप इस फीचर्स को अपने फोन में यूज करना चाहते हैं पिक्सल 2 या पिक्सल एक्सएल में,
तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें रिटर्न गाइड है, जिसको आप फॉलो करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट ओटी अपडेट से सिस्टम इमेज को और अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी बात पे था, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।